दोस्तों, हमारे चैनल ट्रेन योर ब्रेन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लंग्स ऑफ द अर्थ की। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे अमेज़न वर्षावन या अमेज़ोनिया भी कहा जाता है, अमेज़न बायोम में एक नम उष्णकटिबंधीय वर्षावन है जो दक्षिण अमेरिका के अधिकांश अमेज़न बेसिन को कवर करता है। ये बेसिन 70 लाख किलोमीटर में फैला है, जिसमें से 55 लाख किलोमीटर वर्षावन से ढका हुआ है। इस क्षेत्र में 9 देश और 3,344 औपचारिक रूप से स्वीकृत टेरिटरीज शामिल हैं। अमेज़न का अधिकांश हिस्सा 60% ब्राजील में है, इसके बाद पेरू में 13%, कोलंबिया में 10% और थोड़ी मात्रा में बोलीविया, इक्वेडोर, फ्रेंच गियाना, गुयाना, सुरीनाम और वेनेजुएला में है। अमेज़न पृथ्वी के शेष वर्षावनों के आधे से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें दुनिया में उष्णकटिबंधीय वर्षावन का सबसे बड़ा और सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र शामिल है, जिसमें लगभग 16,000 प्रजातियों के अनुमानित 29,000 करोड़ यानी 390 बिलियन पेड़ हैं। अमेज़न में 350 विभिन्न जातीय समूहों के 3 करोड़ यानी 30 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं, जो 9 अलग अलग राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणालियों और 3,344 औपचारिक रूप से स्वीकृत स्वदेशी क्षेत्रों में विभाजित हैं। स्वदेशी लोग कुल जनसंख्या का 9% हैं और 60 समूह बड़े पैमाने पर अलग थलग रहते हैं, जिनमें से कुछ का बाहरी दुनिया से बहुत कम या कोई संपर्क नहीं है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और अमेज़न के बारे में और जाने, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। इससे हमें ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है। अमेज़न वर्षावन संभवतः योसीन युग यानी 5.5 से 3.5 करोड़ वर्ष पहले के दौरान बना था। यह उष्णकटिबंधीय तापमान में वैश्विक कमी के बाद दिखाई दिया, जब अटलांटिक महासागर अमेज़न बेसिन को गर्म नम जलवायु प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से चौड़ा हो गया था। वर्षावन कम से कम 5.5 करोड़ वर्षों से अस्तित्व में है। अमेज़न वर्षावन को फर्टिलाइज करने वाली 56% से अधिक धूल सहारा रेगिस्तान में उत्तरी चाड से आती है। धूल में फास्फोरस होता है, जो पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। हर साल आने वाली ये डस्ट बारिश और बाढ़ से बह गई मिट्टी की भरपाई करती है। नासा के कैलिप्सो सैटेलाइट ने सहारा से अमेज़न तक हवा द्वारा पहुंचाई गई धूल की मात्रा को मापा है। हर साल औसतन 18 करोड़ टन धूल सहारा से बाहर उड़ती है। इस क्षेत्र में भारी मात्रा में वर्षा होती है। कुछ क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 10 फीट तक वर्षा होती है। यह पौधों के जीवन की समृद्धि और अविश्वसनीय वृद्धि में योगदान देता है। इसे अक्सर पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब और संग्रहित करता है, जिससे दुनिया की जलवायु को विनियमित करने में मदद मिलती है। ये क्लाइमेट चेंज को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेज़न वर्षावन मूल्यवान फार्मास्यूटिकल्स का एक संभावित स्रोत है। वर्षावन में कई पौधों की प्रजातियों में औषधीय गुण होते हैं और कुछ का उपयोग आधुनिक चिकित्सा में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। अमेज़न नदी, जो वर्षावन से होकर बहती है, नाइल नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी 1100 से अधिक सहायक नदियां हैं और यह दुनिया के लगभग 20% ताजे नदी जल के लिए जिम्मेदार है। अमेज़न वर्षावन के नीचे भूमिगत नदियां बहती हैं। इनमें से कुछ विशाल हैं और केवल आंशिक रूप से ही खोजी गई हैं। सबसे प्रसिद्ध रियो हमजा है, जो अमेज़न के नीचे 6,500 किलोमीटर तक बहती है। अमेज़न कभी उन्नत और रहस्यमय सभ्यता का घर था, जिसे अक्सर अमेज़ोनियंस कहा जाता था। उन्होंने बड़े शहरों, सड़कों और नहरों के जटिल नेटवर्क सहित जटिल समाज बनाए। उनका इतिहास अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन सबसे अधिक स्पीशीज रिच बायोम है और अमेरिका में उष्णकटिबंधीय वन अफ्रीका और एशिया के आर्द्र वनों की तुलना में अधिक स्पीशीज रिच है। अमेज़ोनियन वर्षावनों में अद्वितीय जैव विविधता है। दुनिया में हर 10 प्रजातियों में से एक अमेज़न वर्षावन में रहती है। यह दुनिया में जीवित पौधों और पशु प्रजातियों का सबसे बड़ा संग्रह है। यह क्षेत्र लगभग 2.5 मिलियन कीट प्रजातियां, हजारों पौधे और लगभग 2000 पक्षियों और स्तनधारियों का घर है। आज तक इस क्षेत्र में कम से कम 40,000 पौधों की प्रजातियां, 2,200 मछलियां, 1,300 पक्षी, 427 स्तनधारी, 428 उभयचर
और 378 सरीसृपों को वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत किया गया है। सभी पक्षी प्रजातियों में से हर 5 में से एक अमेज़न वर्षावन में पाई जाती है और मछली की हर 5 प्रजातियों में से एक अमेज़ोनियन नदियों और नालों में रहती है। वैज्ञानिकों ने अकेले ब्राजील में 96,000 से 1,28,000 इनवर्टिब्रेट प्रजातियों का वर्णन किया है। 2001 के एक अध्ययन में पाया गया कि इक्वेडोरियन वर्षावन का एक चौथाई वर्ग किलोमीटर यानी 62 एकड़ में 100 से अधिक पेड़ों की प्रजातियां मिलती हैं। 1999 में एक अध्ययन में पाया गया कि अमेज़न वर्षावन के एक वर्ग किलोमीटर यानी 247 एकड़ क्षेत्र में लगभग 90,000 टन जीवित पौधे हो सकते हैं। वर्षावन में कई प्रजातियां हैं जो खतरा पैदा कर सकती हैं। सबसे बड़े शिकारी जीवों में ब्लैक केमन, जैगुआर, कूगर और अनाकोंडा शामिल हैं। नदी में इलेक्ट्रिक ईल बिजली का झटका पैदा कर सकती है, जो अचेत कर सकती है या मार सकती है, जबकि पिराना इंसानों को काटने और घायल करने के लिए जानी जाती है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग की विभिन्न प्रजातियां अपने त्वचा के माध्यम से लिपोफिलिक अल्कलॉइड विषैले पदार्थों का स्राव करती हैं। वहां असंख्य परजीवी और रोगवाहक भी हैं। वैम्पायर चमगादड़ वर्षावन में रहते हैं और रबीज वायरस फैला सकते हैं। अमेज़न क्षेत्र में मलेरिया, पीला बुखार और डेंगू बुखार भी हो सकता है। अमेज़न में जैव विविधता तेजी से खतरे में पड़ रही है, मुख्य रूप से वनों की कटाई से निवास स्थान के नुकसान के साथ साथ आग की बढ़ती आवृत्ति के कारण। आग आमतौर पर शुष्क मौसम के आसपास लगती है, क्योंकि कृषि, पशुधन, लॉगिंग और खनन के लिए जंगल को साफ करने के लिए स्लैश एंड बर्न मेथड का उपयोग किया जाता है, जिससे अमेज़न वर्षावनों की कटाई होती है। अमेज़न वर्षावन प्राकृतिक दुनिया के आश्चर्यों का एक जीवंत प्रमाण है। इसकी आश्चर्यजनक जैव विविधता, पारिस्थितिक महत्व और जलवायु विनियमन में भूमिका इसे मानवता और ग्रह के लिए एक अमूल्य संपत्ति बनाती है। इसकी रक्षा और संरक्षण करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, न केवल वर्तमान पीढ़ियों के लाभ के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए भी।